चीन इस मुलाकात में सबसे अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि कल ही आसियान और ईस्ट एशिया समिट के मंच से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर प्रहार किया। जिनपिंग के G20 में ना आने को लेकर बाइडेन अपनी नाखुशी जाहिर भी कर चुके हैं। सात लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता से सबसे ज्यादा कोई देश बेचैन होगा तो वो चीन है, क्योंकि दो दिन से लगातार ये दूसरा मौका है जब वो सीधे भारत के निशाने पर है। और सूत्रों के मुताबिक इस बार तो पीएम मोदी की चीन पर सीधी बातचीत प्रेसिडेंट बाइडेन से हो सकती है। बाइडेन चीन से क्यों नाराज हैं, इस पर आएं उससे पहले गुरुवार की बात करते हैं। ईस्ट एशिया समिट का मंच था, पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बिना चीन का नाम लिए साउथ चाइना सी में उसकी सैन्य आक्रामकता का मुद्दा उठाया। भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी होनी चाहिए और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे उन देशों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो सीधे तौर पर इस चर्चा में शामिल नहीं है। पीएम मोदी ने इसी मंच से चीन को काउंटर करने वाले क्वेड के विजन का केंद्र बिंदु भी आसियान को बताया और वो जब ये सब बातें कर रहे थे तो यहाँ चीन के प्रीमियर ली कियांग भी मौजूद थे और वो पीएम मोदी की ये बातें गौर से सुन रहे थे। ली कियांग G20 में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली पहुँच सकते हैं और अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने बताया है कि इस दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन की उनसे मुलाकात की कोई योजना नहीं है, जिस पर जानकार मान रहे हैं कि वो जिनपिंग के दिल्ली से दूरी बनाने को लेकर खासे नाराज हैं। I am disappointed. इंडो पैसिफिक को लेकर चीन, भारत और अमेरिका दोनों की बातचीत के केंद्र में शुरू से है और भारत दौरे के बाद बाइडेन जिस तरह से वियतनाम का दौरा करने वाले हैं, उससे संदेश साफ है कि ये चीन के प्रभाव को जवाब देने की एक बड़ी कोशिश है। क्योंकि हमने ये आपको चीन की बात बताई पहले, तो इसलिए मैं सबसे पहले डिप्लोमेसी के लिहाज से पुष्पेश सर से एक सवाल पूछता हूं। सर, मल्टीपोलर ऑर्डर में अगर बात की जाए तो क्या यह लग रहा है कि चीन और रशिया G20 की जो इंपॉर्टेंस है उसको कम करना चाहते हैं, ब्रिक्स उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना शुरू से ही G20 में अमेरिका को डोमिनेटेड मानता है, क्या ऐसा लग रहा है जिस वजह से ये पूरी चीजें और खासकर ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर अब भी एक एलिमेंट ऑफ डाउट है? नहीं, आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को रेखांकित कर रहे हैं निशांत भाई। मुझे लगता है यह हकीकत यही है, आज जो मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है उसमें भारत एक उदीयमान शक्ति है, चीन उसका प्रतिद्वंदी और बैरी है और चीन का जो जमघट है वो ब्रिक्स है, SCO है और उससे भारत के लिए चुनौती है कि रूस के साथ अपनी पारंपरिक मैत्री को बनाए रखते हुए, सामरिक सौदों को ध्यान में रखते हुए कैसे वह अपने को अलग थलग कर सकता है और पूरी तरह क्वाड और इस G20 में नहीं चला जाता। अब श्रीवास्तव सर, पीके श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल। सर, हम बात कर रहे हैं डिफेंस टाइप की, लेकिन वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और ऑन गोइंग प्रोसेस में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हाल के दिनों में भारत का एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर फ्रांस उभर कर सामने आया है। क्या बाइडेन इस विजिट को डिफेंस सेक्टर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक सेक्टर के तौर पर देख रहे हैं या फिर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है? निशांत, जब भी पॉलिटिकली आप देखते हैं कि संबंध बढ़ते हैं, जिसको हम डिप्लोमेटिकली बोलते हैं, और फाइनेंशियली भी गहरे होते हैं, तो मिलिट्री एक ऐसा एस्पेक्ट है और छूता नहीं रह जाता है। और जिस तरीके से MQ-9 की डील के लिए एक्सेप्टेंस आ रही है और उसके जो मुद्दे हैं, ये अपने आप में मिलिटरली एक गेम चेंजर है। ये बहुत बड़ी शक्ति देता है भारतीय सेना को, नौसेना हो या भारतीय वायुसेना हो या थल सेना हो, क्योंकि इस तरह के जो आपके पास इक्विपमेंट आते हैं तो आप न कि सिर्फ ये नहीं कि आप अगेंस्ट द टेररिस्ट सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कर सकते हैं, आप एक तरीके से इतना इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं कि आपको प्रसिशन स्ट्राइक्स करने में बहुत मदद मिलती है। और ये आप देखिएगा, आपने खुद दिखाया आपने उसमें इसका वो दिखाते हुए कि ये जो सब आजकल सबसे ज़्यादा जो खतरनाक माना जाता है इंडियन ओशन में, वो सब मरीन्स रहेंगी जिसमें कि चीन के पास एक प्रभुत्व सा है, उसको खोज करके मारने में ये ड्रोन बहुत सक्षम है। बहुत बड़ी बात है। अब एक क्विक रिएक्शन पुष्पेश सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा। अब बाइडेन को कहा जाता है दैट ही इज एन एडवोकेट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, UN है या G20 है, लेकिन और इसीलिए एक और थ्योरी दी जाती है हमेशा, ट्रंप जो थे वो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग रोक रहे थे,
चाइना जो है उसको साइड करने के लिए, ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो चाहते हैं इस मंच से वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन को और मजबूत किया जाए। आप खुद उन्होंने अपनी सेनेट से और फंडिंग की बात की है, क्या आपको लगता है कि भारत की पिच पर बाइडेन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने में कामयाब होंगे? बाइडेन तो भारत की भूमि पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हमारे लिए ये समझना ज़्यादा अहम है कि भारत अपनी भूमि पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कितनी मजबूती से रखता है। जिस इंस्टीट्यूशंस की आपने बात की, वो सारे इंस्टीट्यूशन वो हैं जिन्होंने भारत को बाहर रखा है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से। Well said, sir. और जो वर्चस्व अमेरिका का वर्ल्ड बैंक में इंस्टीट्यूशंस में है, डॉलराइजेशन है, उसके खिलाफ जो आक्रोश दुनिया भर में है, उसके लिए भारत तीसरी दुनिया का, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, हम प्रमुख आवाज़ बन सकते हैं। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड।